दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसमें मैं आवारा रेल फैन आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ WAG9 के बारे में। तो सबसे पहले तो माफी चाहूंगा, वीडियो काफी देर बाद आ रही है और जो वॉइस है वो भी अच्छी नहीं, क्योंकि माइक नहीं है मेरे पास। आप लोग सपोर्ट करते नहीं तो माइक कहाँ से आएगा। इंशाल्लाह माइक भी ले लेंगे जल्दी। तो आज की वीडियो है जो काफी अलग होने वाली है, ऐसी वीडियो कभी बनाई नहीं है पहले। तो यार इंडियन रेलवे में एक लोकोमोटिव बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है WAG9, जिसमें कि बहुत सारी वेरिएंट आ चुके हैं WAG9, WAG9H, WAG9HI, WAG9HC, WAG9HH। तो आखिर इन सभी में डिफरेंस क्या है और एक ही लोकोमोटिव्स के इतने सारे अलग अलग नाम कैसे हैं, क्या फर्क है इनमें? आज बस हम आज की वीडियो में बस यही डिस्कस करने वाले हैं। इस तरीके की वीडियो मैंने कभी बनाई नहीं है टीचरों की तरह कि मैं आप लोगों को समझाऊं कि ये लोकोमोटिव किस काम में आता है, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये जो लोकोमोटिव है काफी ट्रेंड पे चल रहा था आजकल, इसके जो नए प्रिंट आ रहे हैं, जो वेरिएंट आ रहे हैं काफी अच्छे लग रहे हैं मुझे। मैंने कहा क्यों ना इसमें एक वीडियो बना देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इस WAG9 को अलग अलग नाम क्यों दिए गए हैं और इन सभी लोकोमोटिव में आखिरकार डिफरेंस क्या है। तो बने रहिए वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आगे वीडियो में आखिर इन सभी लोकोमोटिव में क्या स्पेशल है और इसमें क्या क्या डिफरेंस है। WAG9 लोकोमोटिव एक ऐसा लोकोमोटिव जो आपको इंडियन रेलवे में हर जगह देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी एरिया में जाओ इंडिया के, एक ऐसा लोकोमोटिव है इंडियन रेलवे का, इसको वन मैन आर्मी भी कहा जा सकता है लोकोमोटिव की भाषा में। और बात करें अगर इसकी टोटल संख्या कितनी है अपने इंडिया में, इंडियन रेलवे में, तो इस लोकोमोटिव की टोटल संख्या है 4,650 लोकोमोटिव जो डेली अपनी सेवा इंडियन रेलवे को प्रदान कर रहे हैं। और अगर इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए तो वो 180 किलोमीटर पर आर है, लेकिन इसको 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलाया जाता है क्योंकि ये गुड्स लोकोमोटिव है और ये ज्यादातर गुड्स ट्रेन को ही खींचता है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा जो WAG9 लोकोमोटिव है वो पैसेंजर ट्रेन को भी खींचता है, राजधानी होगी एंड अदर पैसेंजर्स मेल्स एक्सप्रेस होगी उन्हें भी खींचता है। क्यों, उसके ऊपर भी हम एक और डिटेल वीडियो बना देंगे। अभी हम जानते हैं कि इन WAG9, WAG9HH, WAG9EXTRA इन सभी में क्या डिफरेंस है और क्यों इनके अलग अलग नाम पड़े। तो चलिए जानते हैं आगे वीडियो में। तो यहाँ पर बात करते हैं WAG9 लोकोमोटिव की, जिसके बारे में सभी जानते हैं। ये क्वेश्चन ही उसी के ऊपर बेस्ड है, पूरी वीडियो उसके ऊपर है। तो WAG9, तो यहाँ पे जो WAG9 का जो वेट होता है वो होता है 123 टन्स, जो WAG9 का वेट होता है वो होता है 123 टन्स। एंड यहाँ पे जो WAG9H, तो यहाँ पे H आखिर क्या है, ये H यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है हैवी। हैवी है तो मतलब कि इसका वेट भी ज्यादा होगा, तो इसका होता है वेट 135 टन और इसमें होता है 520 किलो न्यूटन। जो WAG9H का वेट इसलिए बढ़ा दिया जाता है क्योंकि ज्यादातर ये लोकोमोटिव मालगाड़ियों को खींचता है, लेकिन उसको खींचने में आपने देखा होगा बारिश के मौसम में काफी ज्यादा व्हील स्लिप होता है, तो वो व्हील स्लिप ना हो इसलिए कैब 1 और कैब 2 में इसका वेट बढ़ा दिया गया है। मतलब कि वहां पे कुछ ऐसे पार्ट्स रखे हैं लोहे के जो इसका वेट बढ़ाकर 135 टन कर देता है। और यहाँ पे WAG9 लोकोमोटिव की बात करें, इसका जो किलो टन होता है वो होता है 458 किलो टन। अब हम आते हैं अपने अगले लोकोमोटिव पे, WAG9HI। यहाँ पे H का मतलब तो हो गया हैवी, हैवी हैवी मतलब ये भी हैवी है, ये भी 135 टन का है। और यहाँ पे ये जो I है, I रिप्रेजेंट करता है IGBT। वैसे और भी लोगों होते हैं इंडियन रेलवे में IGBT के, लेकिन सब में I का साइन नहीं होता। आते हैं अपने लास्ट लोकोमोटिव पे, WAG9HC। H वही हो गया हैवी और C यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कन्वेंशनल ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो कन्वेंशनल होता है A9 SA9 की तरह। बाकी इन चारों लोकोमोटिव्स में और कोई डिफरेंस नहीं है, पावर का, स्पीड का और कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस जो डिफरेंस था वो आपको यहाँ पे पता चल गया। तो बस रेल फैंस आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो में कुछ 1% भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी है। और अगर आप इससे रिलेटेड और भी आगे वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना, मैं इसी टॉपिक पे और वीडियोस बनाऊंगा।
तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और बढ़िया टॉपिक के साथ। अपना और अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखना। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।